हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी का पूरी तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 31 मई को सिस्टर्स डे है, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आया। वैसे तो दिमाग है नहीं मेरे पास, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लेकिन फिर भी कहीं से ऐसे करके आ गया कि चलो इस बार सिस्टर्स डे पे मैं अपनी बहन को छोटा सा एक गिफ्ट जो है उसे देती हूँ। ये वीडियो मेरी पूरी तरीके से मेरी बहन को डेडिकेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि उसे अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी बहन के बारे में और हम लोग के जो बचपन के थोड़े बहुत किस्से हैं ना, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी बहन को ना इतना सा भी नहीं जानते, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो ज़रूर है। अच्छा, ये वीडियो मैं बहुत ही ऑनेस्टली बना रही हूँ और मैं जो बात बोल रही हूँ वो मैं सच बोल रही हूँ। मैं कोई बना करके नहीं बोल रही हूँ, तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं अपनी बहन को ना पा करके बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि उस टाइम पर वो थी, थैंक गॉड, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं नहीं होती और इस दुनिया से मेरा पत्ता बहुत पहले कट चुका होता। समझ रहे हो ना। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था तो वो मैं छोटा सा किस्सा आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हम सभी लोग गए हुए थे एक टेलर अंकल के पास, कुछ मम्मी को सूट वगैरह और कुछ मतलब सिलवाने का काम करना था। मुझे उस टाइम पे थोड़ा मैं चल फिर लेती थी, चल फिर क्या, मैं पूरा दौड़ ही लेती थी। मैंने ना उनका हाथ छुड़ाया और हाथ छोड़ करके मैं आ गई रोड पर और सामने से एक ट्रक आ रहा था। पापा तो थोड़ा सा दूर थे, पापा ने मुझे दूर से देख लिया था, तो सामने से ट्रक आ रहे हैं और मतलब पापा ने पूरी उम्मीद खो दी थी कि आज कुछ गड़बड़ काम होने वाला है। मेरी बहन ने जैसे ही मुझे टर्न करके देखा कि मतलब मैं वहाँ पर हूँ और सामने से ट्रक आ रहे हैं, मेरी बहन जो स्पीड से भागी है ना, उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ के खींचा है वैसे ही वो ट्रक सामने से गया है। मतलब अगर एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो मैं निकल जाती, मेरा पत्ता कट हो चुका था, यमराज जी मुझे लेने आ चुके थे। इसलिए मैं अपनी बहन का बहुत ही ज्यादा थैंक यू करती हूँ कि सच में अगर वो नहीं होती उस दिन तो आज मैं नहीं होती। जब मैं बड़ी हो गई और मैं उन्हीं टेलर अंकल के पास गई थी मम्मी के साथ में, तो मम्मी थी और दीदी की शादी हो चुकी थी और मम्मी के साथ में गई हुई थी। उन अंकल को इतना नहीं पता था कि मैं वही लड़की हूँ, तो मम्मी ने उनसे कहा कि पहचाना इसे, तो मम्मी ने उन्हें बताया कि ये वही लड़की है जो हाथ छुड़ा करके भाग गई थी और फिर सामने से ट्रक आ रहा था। तो उन अंकल ने मुझे जैसे ही देखा तो वो ऐसे उस वक्त जब ये सब हुआ था तो उन अंकल ने मम्मी के सामने हाथ जोड़ लिया था कि अब आप मेरी दुकान पर मत आइएगा। लेकिन हम लोग बड़े होने के बाद फिर गए अंकल के पास, तो उस वक्त अंकल मुझे देखते रह गए और मैं अंकल से कही अंकल अब मत घबराइए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं अपनी बहन को पहले इतना नहीं मानती थी जितना आज मानने लगी हूँ। पहले क्या था कि मैंने उसे ना बहुत हर्ट किया है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। और दीदी की क्या आदत थी कि वो हमेशा मतलब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती थी, बट उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो मेरी लाइफ में इसलिए इंटरफेयर करती थी क्योंकि वो मेरा हमेशा से भला चाहती थी। एक टाइम होता है ना कि जब टीनेज की उम्र आती है तो हम लोग सही डायरेक्शन में भी जाते हैं और गलत डायरेक्शन में भी जाते हैं, और मेरी बहन मुझे हमेशा एक माँ की तरह समझाने का काम करी है, बट मैं उसे नहीं समझती थी। अगर आप उनसे छोटे हो ना तो आपकी बहन आपको हमेशा अपना छोटा बच्चा ही समझेगी। मेरा जो भी मन करता है ना, जैसे कुछ खाने का मन करता था, मुझे ऐसे कि घर का खाना नहीं खाना, मुझे कहीं बाहर का खाना खाना, वो तुरंत कॉल करके ऑर्डर करके मेरे लिए वो सब कुछ मंगा देती थी। स्कूल के प्रोजेक्ट होते थे, बहुत सारे वर्क होते थे, बहुत ज़्यादा उस वक्त पे ना स्कूल के बहुत ही ज़्यादा काम होते थे कि फाइल बनानी है, ये भी करनी है, और मेरा क्या था कि मैं हमेशा कल पे डालती थी, कोई बात नहीं कल कर लूँगी। अचानक से फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता था कि ये परसों जमा होना है, और मेरे पास हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट फाइल रहती थी। मैं मतलब पूरी
रात जग जग करके मैं अपनी फाइल्स को कंप्लीट करती थी। उस वक्त में मेरी बहन मेरा सपोर्ट करती थी कि लाओ एक फाइल मैं लिख देती हूँ, एक फाइल तुम लिख। कहने का मतलब हर फील्ड में मेरी बहन ने मेरी मदद करी है, चाहे वो मेरी लाइफ का लोएस्ट पार्ट रहा हो या स्कूल टाइम का रहा हो या कुछ समझाने का हो, मेरी फरमाइशें उसने भर भर के पूरी करी है। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है मेरी बहन। अगर लाइफ में किसी को भी ज़रूरत होगी उसकी, तो वो उसका खड़े होकर के साथ देगी। वो ऐसी बन गई है। मैं हमेशा से ना एक बेस्ट फ्रेंड चाहती थी कि मतलब मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसे मैं अपनी हर चीज़ बता सकूँ, जो अपनी ही चीज़ें मुझे बता सके। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर पर ही दो लोग ऐसी बैठी हैं जिनको मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकती हूँ। दो लोग कौन हैं? एक मम्मा और एक मेरी बहन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और आपको बेस्ट फ्रेंड चाहिए, तो आप अपनी मम्मा को और अपनी बहन को एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बना सकते हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड रहने वाली है। और दुनिया में कभी ना कभी एक बेस्ट फ्रेंड भी बदल ही जाता है, बट ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड आपकी रहेंगी ना, वो लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं बदलेंगी। हर एक वो टाइम पे जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी, यही दोनों बेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। अब वीडियो को एंड यहीं पर करती हूँ, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में अगर बहन है, अब वो बहन चाहे आपकी छोटी हो या बड़ी हो, आपको किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी बहन आपके साथ है। उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। एक टाइम पे मैं चुप रह गई, क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं जिनको बचाने पड़ जाते हैं। ऐसा है कि मुझे रिश्ते नहीं बनाने हैं, मुझे केवल और केवल अपनी बहन को खुश रखना है, और मैं अपनी बहन के लिए हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जिससे उसको खुशी मिले। सिस्टर्स डे पे इस बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बहन से प्रॉमिस कर रही हूँ कि बहन, अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, और हर वो वक्त खड़ी रहूँगी जब जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिसने तुझे रुलाया उसको ज़रूर जवाब दूँगी, क्योंकि अब मुझे रिश्ते नहीं निभाने, मुझे केवल अपनी बहन के साथ अपना बॉन्ड मजबूत करना है, क्योंकि जीवन भर मेरा साथ जो देगी वो केवल और केवल मेरी बहन रहेगी, और मैं अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हैप्पी सिस्टर्स डे, एंड ऑफ कोर्स यू आर माई डायमंड। जिसको जलना है भाई, तुम साइड हो के जल जाओ, लेकिन मेरी बहन हमेशा मेरे लिए डायमंड ही रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी तो अपनी बहन के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना यार। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।